लोग ये नहीं देखते कि रिसोर्स कितना था उसके पास, लोग ये देखते हैं जितना था उसके अंदर कितना प्रोड्यूस किया। जन्नत में शराबी दाखिल हो सकता है, जिना करने वाला भी दाखिल हो सकता है, अगरचे अपनी सजा का। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, आपने फरमाया कतअ रहमी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हज और उमरे चल रहे होंगे, तहज्जुदें चल रही होंगी, बड़ी बड़ी क़ियामुल लैल चल रही होंगी, लेकिन माँ से नाराजगी होगी कि माँ ने मेरे साथ जुल्म किया, कि मेरे बाप ने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे भाई को ज्यादा दे दिया, या मेरे साथ विरासत में जो है वो जुल्म हो गया, तो लिहाजा मैं अपने रिश्तों को तोड़ के बैठा हूँ। कितने घराने हैं बचपन के अंदर दो भाई साथ खेला करते थे, आज एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। कितने बहन भाई हैं जो बचपन के अंदर एक साथ खाया करते थे, एक ही टेबल पर बैठ के, आज एक दूसरे के मोहल्लों में जाना पसंद नहीं करते। क्या किया हमने अपनी जिंदगियों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, जो अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाकर भेजे थे। कि अल्लाह कहता है कि एक रिश्ते हैं जो तुम बनाते हो दुनिया के अंदर, तुम मुलाजिम हो, तुम्हारा एक मालिक है, तुम चाहो तो आज रिश्ता जोड़ लो, चाहो तो तोड़ दो, कोई मसले की बात है। चाहो तो आज तुम्हारा एक कस्टमर है, तुम्हारा एक खरीदार है, एक रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ पिछले 10 सालों का, चाहो तो तोड़ दो, चाहो तो जोड़ लो, कोई मसले की बात है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह कह रहा है जो मैंने जोड़ के भेजे, उसमें तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है कि चाहो तो तोड़ लो, चाहो तो जोड़ लो।